हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज हफ्ते का लास्ट दिन था और एक पॉजिटिव, जबरदस्त पॉजिटिव नोट के साथ निफ्टी इंडेक्स बंद हुआ है। 272 पॉइंट की जबरदस्त बढ़त आज देखने को मिली। 5 मिनट का ये चार्ट आज कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है हमारा, तो यहाँ आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आप लेवल्स देख रहे हैं उसके भी ऊपर गैप अप ओपनिंग आज देखने को मिली निफ्टी की, और एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। जो लेवल्स मार के थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि सेकंड टारगेट के भी लेवल के ऊपर निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं इंट्राडे के लिए एज पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो देखते हैं। लेकिन कल जो हमने एक बात यहाँ पर एनालिसिस की थी वो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ये 60 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। तो कल जैसे कि हमने यहाँ पर प्राइस में देखा था कि सिमिलर बॉटम्स बन रहे हैं, निफ्टी जो है बार बार ये 17,300 के पास आके एक बॉटम टेस्ट कर रहा है और बाउंस बैक दे रहा है। लेकिन नीचे अगर RSI को देखें तो ये कंटिन्यूज यहाँ पर हायर हाइज, ये जो हायर बॉटम्स बन रहे हैं, जो प्रीवियस बॉटम है उसके ऊपर नेक्स्ट बॉटम बना रहा था। तो RSI में ये डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रहे थे। प्राइस एक्शन जैसे लोअर बॉटम्स बना रहा था, लेकिन RSI जो है ये हायर बॉटम्स बना रहा था। ये डाइवर्जन था, सिग्नल था, जो कि हमें यहाँ पर बुलिश सिग्नल दे रहा था कि भाई यहाँ पर अप ट्रेंड आ सकता है। और एक दूसरी बात थी जो एक दिन पहले हमने यहाँ पर पैटर्न देखा था, ये पैटर्न इस तरह से यहाँ पर बना था, पीवट बार रिवर्सल पैटर्न कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा था 2 दिन पहले। जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बना था। डाउन ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल आया था जिसका हाई लोअर क्लोज प्रीवियस कैंडल का हाई लोअर क्लोज से ऊपर है, यानी ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर हमें इस सिग्नल मिल रहा था कि भाई यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है। तो आज एक दिन देखिए, ये फ्राइडे के लास्ट दिन एक ज़बरदस्त बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। अभी ये हाई भी इसने कहाँ पर लगाया है, एग्जैक्ट ये पिंक लाइन के पास 17,650 के आसपास है, आप देख सकते हो। तो 650 के ऊपर सस्टेन करता है तो और भी यहाँ से ये जो बाउंस बैक है ये एक्सटेंड होते हुए हमें नज़र आ सकता है। अभी RSI को डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पर भी राइजिंग बॉटम्स इसने बना दिया है, और इस तरह का W पैटर्न यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बुलिश ट्रेंड का सिग्नल होता है। अभी 650 के ऊपर अगर कोई इस तरह से ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमें और कंफर्मेशन मिल सकता है कि भाई ये जो बाउंस बैक आया है ये एक्सटेंड हो सकता है। क्योंकि अडानी ग्रुप के बारे में भी 2-3 पॉजिटिव खबरें आ रही थी। एक तो S&P जो कि इन्वेस्टमेंट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने भी अडानी के बारे में कुछ पॉजिटिव बयान दिए थे। जो लोन्स है वो सिक्योर्ड है, बैंक ने भी जो लोन दिया है वो अडानी के असेट्स को देख के ही दिया हुआ है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को कहा है कि जो भी एलिगेशंस है उसके ऊपर आप इंक्वायरी कीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव वे में अडानी ग्रुप के शेयर्स भी ट्रेड करते हुए नज़र आए। अगर वीकली चार्ट को देखते हैं तो लास्ट वीक का फ्राइडे का वीडियो ज़रूर देख लेना। ये जो ब्लू लाइन है ये हम कह रहे थे कि यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे अगर कोई रेड कैंडल बनती है इस तरह से तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई ये डाउन ट्रेंड और भी तेज टूवर्ड साउथ की तरफ आ सकती है। लेकिन इस वीक का क्लोज आप देख सकते हो, फिर से एक बार ये ब्लू लाइन के ऊपर इसने क्लोज दिया है, यानी यहाँ पर जिस तरह से पास्ट में एक बाउंस बैक आया था, हो सकता है यहाँ पर भी हमें बाउंस बैक देखने को मिले। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब ये फिर से पिंक लाइन के ऊपर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का ये जो लाइन है 20 EMA इसके ऊपर क्लोज देता है, तो हम कह सकते हैं भाई ये बाउंस बाउंस बैक जो है वो एक्सटेंड हो सकता है अप ट्रेंड में, जिस तरह से यहाँ पर हुआ था ये देखिए। तो थोड़ा वेट करें कंफर्मेशन के लिए। तो एज पर जो हालात है अभी, जो अडानी के बारे में जो भी न्यूज़ आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो उनके शेयर्स भी ज़बरदस्त अभी रिबाउंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा, फिर हम एक निफ्टी में फिर से एक बार एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करते हैं निफ्टी के। मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज का जो हाई है इसके जस्ट ऊपर, यानी 17,642, ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा अराउंड 17,664, और सेकेंड टारगेट का लेवल होगा अराउंड 17,689। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ पर रेड कैंडल बना था, फर्स्ट रेजिस्टेंस लिया था
17,564, ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 17,541 और सेकेंड टारगेट का लेवल बनेगा अराउंड 17,515, ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल होगा। चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट का चार्ट देखें तो ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। अगर आप हमारे बैंक निफ्टी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जस्ट आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी जो लेवल्स मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड नहीं बनता, क्योंकि सेकेंड टारगेट के भी ऊपर बैंक निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा आज के हाई के जस्ट ऊपर, यानी अराउंड 41,422, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 41,522 और सेकंड टारगेट होगा हमारा अराउंड 41,632। और टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जो फर्स्ट रेड कैंडल बना था उसका लो अगर टूटता है, यानी 41,141 हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट का लेवल होगा 41,062 और सेकंड टारगेट का लेवल होगा 40,983। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब का एक छोटा सा इंट्रो। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, सपोज अगर आपको जीरोदा का अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन होगा, आपका नंबर यहाँ डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है, ये इस नंबर पे, ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।